हेलो बगबन भाइयों, आज हम हिमाचल में हैं। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे टंग ग्राफ्ट कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा एक एक्सपर्ट टंग ग्राफ्ट डालता है। कितना फास्ट है टंग ग्राफ्ट डालता है और किस तरीके से डालता है, ये देखिए, चेक करिए आप। एक नर्सरी कैसे बनाते हैं और नर्सरी में ये टंग ग्राफ्ट कैसे डालते हैं, आप अच्छे से गौर से देखिएगा। और कितना फास्ट डालते हैं, उसके बाद ये कलमे कैसे लगाएगा इसको और बांधेगा कैसे, ये है। एक दो तीन चार पाँच छः, ये की है इसने कलम तैयार। देखो कितना फास्ट डाल रहा है, देखिए। बड़ा फास्ट डाल रहा है, बहुत तेज डाल रहा है। नर्सरी का काम आप इतना ही फास्ट करते हैं, सारे सारा काम ऐसा ही होता है क्या? कब से डाल रहे हैं आप ये ग्राफ्ट? 6-7 साल। ओह, 7 साल से भाई ये काम कर रहा है यहाँ पे। एक दिन में कितने ग्राफ्ट डाल सकते हो आप? 1700 ग्राफ्ट एक दिन में। अब बांधो, एक दो को बांधो। कैसे बांधते हो, क्या कौन सा टेप होता है दिखाओ एक थोड़ा सा। हाँ, डाल दो डाल दो। जगह भी बनाते हैं इसी को। बड़ा फास्ट डालते हैं ये। भाई कौन सा क्राफ्ट है ये, कौन सी किस्म है ये, वैरायटी क्या है? अर्ली रेड वन। वीडियो को आज इस भाई के लिए सारे बागबान शेयर करेंगे। ये भाई बड़ा अच्छा कलाकार है, ये इस काम में बड़ी महारत रखता है। 7 साल से टंग ग्राफ्ट डाल रहा है। कोई भी ग्राफ्टिंग आती है भाई आपको? कोई भी। ओके, और आप देखो बांधने का काम भी, इसमें सारे कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कलम ठीक करने का हो, काटने का हो, या फिर इसमें बांध करने का हो, उसके बाद ये पॉलीथीन लगाने का हो, सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। बस, शुक्रिया भाई, थैंक यू।